राम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मिक्कू लाइफ जर्नी यूट्यूब चैनल पर। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। तभी हम जा रहे हैं जैसलमेर से तनोट माता के वहाँ। यहाँ पर आप पवन चक्की देख सकते हैं। वीर मिल एक ऊर्जा स्रोत है जो पवन शक्ति का उपयोग करता है और ये एक यांत्रिक उपकरण होता है जिससे बिजली बनती है। तो अभी थार का मरुस्थलम पार कर रहे हैं। बीच में एक शेर आ गया था, बहुत ही खूबसूरत था शेर और बहुत ही सुंदर था। और अब यहाँ से चलेंगे तनोट माता के वहाँ। हम बसेस सवारी सफ़र कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं रीत की टीले, यहाँ के वनस्पति की हम बात करूँ तो यहाँ पर मरुस्थल वनस्पति पाई जाती है। यहाँ पर आसपास में देख सकते हैं कोई भी वनस्पति दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि यहाँ पर एक छोटा सा गाँव है जो कुछ पक्के मकान, कुछ झोंपड़ियाँ और ये मकान थार मरुस्थल के है। क्योंकि आपको पता ही होगा कि विश्व भर में जो थार का मरुस्थल है यहाँ सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है पूरे विश्व भर में। ठीक है, तो थार के मरुस्थल में मेन बात ये होती है कि वर्षा कम होती है। वर्षा कमी के कारण यहाँ पर प्राकृतिक वनस्पति बहुत कम देखने में मिलती है और कुछ वनस्पति पाई जाती है जैसे कि खेजड़ी, रोहिड़ा, बेर, केर, खजूर, फोग, नागफनी, अथूर, किंकर आदि वृक्ष देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर आप आसपास के नज़ारों को आप बता सकते हैं कि कैसे वनस्पति पाई जाती है। आप देख ही सकते हैं कहीं कहीं दूर दूर तक रेत के टीले नज़र आ रहे हैं, कहीं पर वनस्पति देखने को मिल रही है, कहीं कहीं सूखा है। ये भारत का उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र है, राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्र है। तो आपको पता ही होगा कि राजस्थान का 60% जो क्षेत्र है वो मरुस्थल में आता है। तो यहाँ पर वर्षा नहीं होती, इस वजह से क्या है कि सूखा दिखाई देता है। कुछ रेत के टीले आपको बहुत देखने को मिलेगी। यहाँ की जो मिट्टी वो बलुई मिट्टी है। यानी बीच में हम रुके थे मातेश्वरी घंटियाली माता के वहाँ, हमने दर्शन किए। यहाँ पर भी बहुत सारी भीड़ थी, काफ़ी भक्तजन आए हुए हैं, तो हमने भी दर्शन किए थे। बस में हम आए थे तो बस वालों ने हमें 5 मिनट दिए थे कि आप 5 मिनट में दर्शन करके आ सकते हैं। तो हमने सोचा कि आपको भी दर्शन करा लेते हैं, तो आप भी दर्शन कर लीजिएगा घंटेश्वरी माता जी के। यहाँ से दर्शन करने के बाद हम फिर से निकल गए हैं। येलो कलर वाली हमारी बस है और अब हम पहुँच गए हैं तनोट माता जी के वहाँ। जय माँ तनोट माता। दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे एक न्यू ब्लॉग में और आपका स्वागत है आपका मिक्कू लाइफ जर्नी चैनल पर। तो अभी हम हैं तनोट माता के यहाँ। हम नाइट को यहाँ आए थे और नाइट को यहाँ यहीं पर रुके थे और अभी तैयार वगैरह हो गए हैं। तो अब हम आपको ले चलेंगे मंदिर के अंदर तनोट माता के वहाँ। वहाँ सारा डिटेल होगा वो आपके साथ शेयर करेंगे, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और फुल मोटिवेशनल करते रहेगा ताकि आने वाली वीडियो आपके लिए ज़बरदस्त आपके साथ शेयर करते रहें। तो चलते हैं माता जी के वहाँ और आपको दर्शन भी कराते हैं। लेट्स स्टार्ट नाउ। ये है दोस्तों मरुस्थल में पाया जाने वाला जीव। तो दोस्तों, अब हम यहाँ से प्रसाद वगैरह लेते हैं क्योंकि यहाँ पर आसपास की बहुत सारी दुकानें हैं। लड़कियाँ यहाँ ऊंट सफारी कर रही है, यहाँ पर बांसुरी और यहाँ पर आसपास में दुकानें देख सकते हैं प्रसाद की, कुछ खिलौने की, कुछ चाय की स्टॉल। तो बहुत सारी दुकानें हैं, बहुत सारे व्हीकल आए हुए हैं, भक्तजन जा रहे हैं माता जी के वहाँ, तनोट मातेश्वरी के वहाँ। तो हम भी जा रहे हैं अभी। और यहाँ पर ये मातेश्वरी का गेट बना हुआ है मंदिर का, मेन गेट का। तो हम यहाँ पर चप्पल वगैरह उतार रहे हैं, अब अंदर जा रहे हैं। ये रात का नज़ारा मैंने शूट किया था इस वक्त का है, जो बहुत ही खूबसूरत है। और अब हम मंदिर के अंदर जा रहे हैं, प्रसाद वगैरह हमने ले ली है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने लोग आए हुए हैं भक्तजन। एक खास बात यह है दोस्तों, यहाँ पर नवरात्रि में बहुत सारे लोग आते हैं मातेश्वर के दर्शन करने के लिए। और नवरात्रि और सर्दी गर्मी भी बहुत सारे लोग आते हैं। तो रात का नज़ारा बहुत खूबसूरत था, ये देख सकते हैं रात का नज़ारा है श्री मातेश्वरी तनोट माता राय मंदिर। रात का नज़ारा इतना खूबसूरत था, इतना गजब लगा मुझे, वाव, बहुत ही अद्भुत लगा था, बहुत ही सुंदर लाइट वगैरह थी। और अब यहाँ पर आरती वगैरह होगी तो वो भी शेयर करता हूँ। दोस्तों, अब मंदिर की बात कर लेते हैं। दोस्तों, ये वही राजस्थान का मंदिर है जहाँ पर पाकिस्तान वालों ने 3000 से अधिक तोहफे के गोले दागे थे, फिर भी इस मंदिर का वो कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए थे। इस मंदिर की पूजा की हम बात करें दोस्तों, अब अभी वर्तमान समय में भारतीय जवान की नौसेना करती है और इस मंदिर में विराजमान देवी के चमत्कार के यहाँ के जवान आज तक युद्ध नहीं हार पाए हैं।
देश भर से यहाँ श्रद्धालु भक्तजन आते हैं नतमस्तक करने के लिए। यह मंदिर श्री तनोट राय मातेश्वरी के नाम से जाना जाता है, जो विश्व भर में प्रसिद्ध है। इनको हिंगलाज माता का अंश माना जाता है। हिंगलाज माता का मंदिर पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। तनोट माता को युद्ध की देवी, जवानों की कुल देवी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर पाकिस्तान का ब्रिगेड ने दर्शन करने की अनुमति मांगी थी और फिर यहाँ पर आकर वो छतर चढ़ाया था। यहाँ पर मुगल बादशाह अकबर ने माथा टेका था और यहाँ पर अभी गृह मंत्री अमित शाह आके गए थे। और मैं बात करूँ टीवी शो के जाने माने कलाकार तारक मेहता का उल्टे चश्मा के तारक यानी शैलेश लोढ़ा अभी प्रेजेंट टाइम में आके गए थे। तो ये मंदिर दुनिया भर में प्रसिद्ध है और यहाँ पर हर बार श्रद्धालु आते हैं। दोस्तों अभी हम हैं तनोट माता के मंदिर के पास। ये है मनसा देवी माता का मंदिर। यहाँ पर क्या होता है, इस तरह से विमान होता है वो बांधना होता है, यानी मन की जो इच्छा होती है वो पूर्ण हो जाती है इसे बांधने के बाद। और कहा जाता है कि कुछ महीनों के बाद या अगले नवरात्र जब हम आते हैं या मन की इच्छा हमारी पूरी हो जाती है तो वापस इसे हम खोल भी सकते हैं, ठीक है। तो ये मनसा देवी यानी कि मन की देवी, मन की सुनने वाली देवी है। तो हम ये रुमाल बांधेंगे अभी, इस तरह आप भी बांध सकते हैं जब भी आए, आपके मन की इच्छा पूर्ण हो जाती है। दोस्तों यहाँ पर हम रुमाल बांध रहे हैं और यहाँ पर बहुत सारे लोग जो भी आते हैं, भक्तजन जो भी आते हैं, वो इस तरह से रुमाल बांध के जाते हैं। यदि उनकी इच्छा पूर्ण हो जाती है तो फिर वो अगली नवरात्रि में आते हैं और उस रुमाल को खोलते हैं। ऐसी मान्यता है यहाँ पर कि इच्छा पूर्ण हो जाती है। पास में है शनिदेव भैरव जी का मंदिर, तो वहाँ के दर्शन किए हमने। अब आप देख सकते हैं कितने भक्तजन आए हुए हैं, काफ़ी भीड़ है। इसके बाद दोस्तों नवरात्रि में तनोट माता के मंदिर में भंडारा चलता है नवरात्रि में पूरे दिन और रात। तो हमने यहाँ पर प्रसाद ग्रहण करने के आए हैं और प्रसाद ग्रहण करने के बाद हमने वहाँ से फौजी भाई से परमिशन मांगी थी कि क्या हम भी इनको खिलखाना खिला सकते हैं क्या। उन्होंने कहा खिला सकते हो, तो हमने वो भी काम किया था वहाँ पर। दोस्तों जो पीछे देख रहे हैं श्री तनोट भवन, हमने रात को यहीं स्टे किया था। यहाँ पर रात रुकने के लिए कोई चार्ज वगैरह नहीं लगता है, जो बिस्तर वगैरह होता है उसका चार्ज लगता है, आधार आईडी से बिस्तर रहना होता है। और इसके साथ ही यहाँ पर लेटरिन बाथरूम नाना धोना सब भी है। तो मेरे आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगा कि आप जब भी तनोट यहाँ आए, माता जी का आए, तो आप इस भवन में रुक सकते हैं। यहाँ आपको बिल्कुल चिंता करने की कोई बात नहीं है, नो प्रॉब्लम, आप यहाँ पर रह सकते हैं। तो दोस्तों जरूर आएगा यहाँ पर तनोट भवन में। तो दोस्तों हम मंदिर में भी जाके आ गए और हम नाइट को आए थे कल और आज पूरा दिन यहीं रुके और बहुत अच्छा लगा हमें भी तनोट माता के दर्शन करके और आपको भी दर्शन करा दिए हैं। तो यहाँ आके हमें बहुत ही अच्छा लगा, रियली हम तो बहुत एक्साइटेड थे इसलिए हम आज पूरा दिन यहाँ रुक गए। बहुत ही अच्छा लगा, मंदिर के भी दर्शन किए, आसपास के जितने भी दौरे वगैरह थे वो हमने सारे विजिट कर लिए हैं। तो उम्मीद यही करूँगा कि शायद आपको मेरी वीडियो पसंद आया होगा, पसंद तो शायद आ गया होगा। तो आज का वीडियो हम यहीं क्लोज करते हैं, मिलते हैं आपको एक अच्छे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। लेकिन क्या है दोस्तों, आप अपने दोस्तों का शेयर नहीं करते हैं, ये आप बहुत बड़ी गलती करते हैं। मेरा वीडियो जो है आप अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप फेसबुक पर शेयर कीजिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो आपके साथ शेयर करते रहें। तो आज का वीडियो यहीं तक, मिलते हैं आपको जल्द ही एक नेक्स्ट वीडियो साथ। तब तक के लिए जय राजस्थान। ओके दोस्तों, मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो। हेलो दोस्तों, मैं तो भूल ही गया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कमेंट कर लीजिएगा। मैं तो आपका कब से वेट कर रहा था।